आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो कन्वर्जन होता है वो क्या होता था, इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। जो कन्वर्जन होता है वो एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसका हम यूज़ एक नंबर सिस्टम को उसके इक्विवेलेंट दूसरे नंबर सिस्टम में बदलने के लिए किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में बदलने के लिए हम कन्वर्जन का यूज़ करते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो नंबर सिस्टम होते हैं वो हमारे बेसिकली चार प्रकार के नंबर सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। पहला हमारा है डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये जितने प्रकार के नंबर सिस्टम हैं इनको हम डिटेल में अपने पिछली वीडियो में बताया, अगर अभी तक नहीं देखे तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। इन नंबर सिस्टम को एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में चेंज करना हो तो उसे हम कन्वर्जन कहते हैं। और इसी के आधार पर जो कन्वर्जन होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, दूसरा ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन, तीसरा डेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक नंबर सिस्टम को हम दूसरे नंबर सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि कन्वर्जन क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में हम कैसे चेंज कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिए।